हाय दोस्तों, शुभ प्रभात। मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के विद योगेंद्र पवार में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की लेटेस्ट न्यूज में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है, इस दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी आप क्लिक करना ना भूलें। कि दोस्तों, इसको करने के बाद में जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आधिकारिक न्यूज बताई जाएगी, उसका जो नोटिफिकेशन होगा दोस्तों, वो आपको समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों, नई नई लेटेस्ट न्यूज और नई नई जो भी आपको खबर होगी वो दोस्तों आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। जो भी पुराने इस चैनल के जो सब्सक्राइबर है उनको सब मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बताई जाती है पूर्ण रूप से आधिकारिक वीडियो बताई जाए, न्यूज बताई जाती है। लेकिन जो भी नए हैं, जो भी रीड से संबंधित है, जो भी राजस्थान के कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि जो भी पुराने सब्सक्राइबर है, पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, पुराने सब्सक्राइबर को सब मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बताई जाएगी वो दोस्तों पूर्ण रूप से आधिकारिक ही है। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो दोस्तों ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, कोई आपको फर्जी न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज बढ़ते लेटेस्ट न्यूज़ में। इससे पहले आप सभी को 26 नवंबर 2018 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो राष्ट्रीय संविधान दिवस के, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों, इसी डेट को 26 नवंबर को ही जो भारत का संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों, बढ़ते आगे। तो दोस्तों, ये जो खबर है वो रीट लेवल 2 जो साइंस मैथ मैटर है उसको लेकर खबर है ये। दोस्तों, आपको पता हो तो जो आज 26 नवंबर 2018 को दोस्तों आपके जो डबल बेंच में जो दोस्तों कोर्ट नंबर 1 में आपके जो सुनवाई हो गई इस मैटर को से संबंधित। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या क्या आपके फैक्ट है वो पक्ष में है और कौन कौन से फैक्ट है वो आपके विपक्ष में हो सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते आज की लेटेस्ट न्यूज में और बताऊंगा आपको कि कोर्ट नंबर 1 में हमारा दोस्तों केस है साइंस मैथ का। खुद मैं साइंस मैथ 18 से सिलेक्टेड हूँ, वैसे सेकंड ग्रेड सेलेक्टेड हूँ, लेकिन दोस्तों आपको बताना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, आपको सही वीडियो बताना मेरा कर्तव्य और सही न्यूज है वो भी आपको देना मेरा कर्तव्य है। कोर्ट नंबर 1 और केस नंबर आपके जो 40 से लगाकर 43 तक है, कितने बजे हो सकती है आपकी सुनवाई, इसको लेकर दोस्तों ये वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं केस लिस्ट है। तो दोस्तों, केस लिस्ट देखते सबसे पहले जो आज की केस लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 26 नवंबर 2018, और जो डेली केस लिस्ट है इसमें आपका दोस्तों मामला लिस्टेड है साइंस मैथ मैटर का। 2016 की बात करो, 2018 का तो 29 नंबर की सुनवाई आपके, 16 की जो सतीश कुमार की सुनवाई दोस्तों वो आज है। अब दोस्तों, कोई कह रहे थे कोर्ट नंबर 2 में होगा जो मोहम्मद रफीक जी के बेंच में, दोस्तों ये कोई बात सही नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो चीफ जस्टिस कोर्ट है जो प्रदीप नंदन लोक जी है, मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान के, और दोस्तों उसके साथ में जो भी जस्टिस जी आर मूलचंदानी, इनके बेंच में आज खंडपीठ में सुनवाई होगी आपके। और अब जो सुनवाई का समय स्टार्ट होगा वो 10:30 से लगाकर 1 तक होगा, उसके बाद लंच होगा, लंच के बाद में 1 घंटे का लंच होने के बाद 2 से 4:30 तक वापस सुनवाई होगी। आपका दोस्तों जो केस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 40 नंबर पर केस है आपका, 40 नंबर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 40 नंबर है, और आपकी जो रिट क्रमांक है वो 572/2018 है, और जो स्टेट ऑफ राजस्थान एन आदर्श सतीश कुमार एन आदर्श सत्येंद्र कुमार गुप्ता पिटिशनर और महेंद्र शाह रेस्पोंडेंट। तो इसको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट से जो लॉयर आ रहे हैं कैलाश वसुदेव जी, तो दोस्तों वो भी आएंगे, और उसके अलावा जो भी आपके जो पिटिशनर के जो वकील है वो दोस्तों उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, सांस ये है कि आज आपके दोस्तों फैसला आ जाए या एक सुनवाई और मिल जाए और उसके बाद में फैसला हो जाए, लेकिन दोस्तों पहले कोई नहीं कह सकते। और दोस्तों, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो सुनवाई का समय होगा दोस्तों वो लगभग आपके 1 बजे से पहले आपके दोस्तों आने की संभावना 100% है। 1 बजे से पहले आपकी सुनवाई लगभग हो सकती है, अगर मान लो टाइम नहीं मिला तो जैसे ही 2 बजेंगे उस 2 बजे के बाद में आपकी सुनवाई स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब 1 बजे से पहले आने के चांस ज़्यादा है। तो आपके जो केस नंबर वो 40 से लगाकर 43 तक, ये सभी वित्त में ही है, क्योंकि सभी का मैटर है कि अर्जुन परियार है, रामनारायण सैनी है, बबलू कुमार योगी है। तो दोस्तों, ये जितने भी आपके ये सीआर केसेज है 40, 41, 42 और 43, दोस्तों इसको लेकर जो आज की सुनवाई होगी दोस्तों वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, और जो भी आपको अपडेट होगी वो दोस्तों मिलती रहेगी समय पर। तो फिलहाल तो ये न्यूज़ थी कि जो 26 नवंबर को आपकी जो सुनवाई होगी आपके डबल बेंच में साइंस मैथ मैटर को लेकर, तो वो सुनवाई लगभग 1 बजे से पहले आपके हो जाएगी, 12 बजे हो या 11:30 मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो नहीं बनाऊँ तो दोस्तों आपको जो कम्युनिटी है कम्युनिटी के माध्यम से आपको बता दोस्तों बता दूंगा मैं। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी, इसके बारे में आपके क्या कमेंट आते हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट जो भी है सवाल जवाब को भी। दोस्तों, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।